हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इग्नू इंडिया में एक बार फिर से। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि एग्जाम देने के टाइम में आपको ध्यान रखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है या फिर इंटरमीडिएट में है, अगर वो अपना हॉल टिकट चेक कर रहे होंगे तो उनको कुछ ऐसा नोटिफिकेशन दिख रहा होगा कि यह हॉल टिकट सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए रिलीज की है जिनके एग्जाम 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं और 9 सितंबर तक चलने वाले हैं। तो यह एग्जाम फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट ईयर वालों के लिए नहीं है, उनके एग्जाम दिसंबर में होंगे जिनको पोस्टपोन कर दिया गया है दिसंबर तक के लिए। जिनके एग्जाम होने वाले हैं उनकी हॉल टिकट कुछ ऐसे शो कर रही होगी। अब बात करते हैं इस हॉल टिकट के बारे में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि पिछली वाली हॉल टिकट में ये इंस्ट्रक्शंस यही मेंशन थे। सबसे पहले आपको यहाँ पे टॉप पे अपनी फोटो चिपकानी है जो कि रीसेंट फोटो होनी चाहिए और आपको सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद चलते हैं नीचे और आपको बता देते हैं आपके 2 सेशन में एग्जाम होंगे जो कि मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में एग्जाम होंगे, सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, और इवनिंग सेशन में होंगे 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। और अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की। यह एग्जाम 3 अगस्त से स्टार्ट होंगे जो कि 9 सितंबर तक चलने वाले हैं। अब मैं बताता हूँ आपको इन पॉइंट में क्या दिया गया हुआ है आपको और इसमें क्या क्या चेंजेस करे गए हैं। फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि अगर अब कोई स्टूडेंट एग्जाम सेंटर चेंज करने की रिक्वेस्ट करता है तो उसका एग्जाम सेंटर चेंज नहीं करा जाएगा, बिकॉज इग्नू ने ऑलरेडी एग्जाम सेंटर चेंज करने के लिए फॉर्म रिलीज करा था 23 जुलाई को जो कि 26 जुलाई की लास्ट डेट थी, इसलिए अब एग्जाम सेंटर चेंज नहीं हो सकता है आपका। सेकंड पॉइंट में बोला गया है अगर कोई दिव्यांग स्टूडेंट है, अगर उसे किसी प्रकार की परमिशन चाहिए तो वो रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कर सकता है, वो वहां से परमिशन ले सकता है। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको एक राइटर की जरूरत होती है, वो उसकी परमिशन रीजनल सेंटर से ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट में बोला गया कि आपके पास ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए इग्नू का जब आप एग्जाम देने जाते हैं तब। बट किसी कारणवश आपके पास इग्नू का ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप कोई भी आईडी कार्ड दिखा सकते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड हो, जैसे कि आधार कार्ड एक्सेट्रा, तब आपको एग्जाम देने की परमिशन मिल सकती है। बट पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, अगर आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड नहीं है इग्नू का तो तब आपको एग्जाम में बैठने की परमिशन नहीं मिलती थी। बट इस बार से इग्नू ने यह परमिशन भी दे दी है, अगर उनके पास आईडी कार्ड नहीं है इनकेस वो भूल गए या फिर कहीं गिर गया या फिर किसी कारणवश उनके पास आईडी कार्ड नहीं है तो उनको एक गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड आईडी प्रूफ दिखाना होगा जिससे वो अपने एग्जाम दे सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में बोला गया है कि स्टूडेंट्स को मोबाइल फोन ले जाने की परमिशन नहीं है एग्जाम हॉल में, अगर वो पकड़े जाते हैं तो हो सकता है उनका एग्जाम भी कैंसिल किया जा सकता है। सो आप लोग एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन ना ले जाएं। फिफ्थ पॉइंट में बोला गया है कि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बट क्वेश्चन पेपर पर अगर मेंशन है कि कैलकुलेटर अलाउड देन आपको अलाउड होगा, बट स्मार्ट कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, वो भी अगर स्मार्ट कैलकुलेटर है तो उसे भी अलाउड नहीं किया जाता है एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखें आप। सिक्स पॉइंट में बोला गया है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा एग्जाम हॉल में, जो भी गाइडलाइंस रिलीज करी गई है गवर्नमेंट द्वारा उन सभी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना होगा आप सभी स्टूडेंट्स को। 8th पॉइंट में बोला गया है कि COVID-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टूडेंट को उनके इच्छा अनुसार एग्जाम सेंटर नहीं मिला होगा, बट यूनिवर्सिटी ने ट्राई किया है कि उन स्टूडेंट को उनके पास ही एग्जाम सेंटर मिल सके, जो भी उनकी हॉल टिकट पर मेंशन होगा उनको वहां एग्जाम देने होंगे। 9th पॉइंट में बोला गया कि आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं एग्जाम में, अदर किसी लैंग्वेज में एग्जाम नहीं दे सकते हैं, बट इन केस आपका एग्जाम ही किसी लैंग्वेज का है तो आप उसी लैंग्वेज में उसका एग्जाम दे सकते हैं, लाइक जापानीज लैंग्वेज का एग्जाम जापानीज लैंग्वेज में दे सकते हैं। 10th पॉइंट में बोला गया है कि क्वेश्चन का आंसर उसी लैंग्वेज में दें जिस लैंग्वेज में आपको ऑफर करा गया है, अगर उसके अलावा आप किसी भी लैंग्वेज में आंसर देते हैं तो आपका पेपर कैंसिल करा जा सकता है, उसके लिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, फिर आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे कि कुछ प्रोग्राम है जो कि इंग्लिश में ही है, कुछ प्रोग्राम है जो कि हिंदी इंग्लिश में ऑफर करे जाते हैं, कुछ प्रोग्राम हिंदी में ही ऑफर करे जाते हैं और कुछ प्रोग्राम इंग्लिश में ही ऑफर करे जाते हैं, तो जो प्रोग्राम हिंदी में ऑफर कराया गया है आपको तो आप उसका आंसर हिंदी में ही दें, इंग्लिश में ना दें। 11th पॉइंट में बोला गया है जो भी कोर्स कोड नीचे मेंशन है उन सभी के एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो कि OMR सीट पर कंडक्ट कराए जाएंगे आपसे। 12th पॉइंट में बोला गया है कि आपका डेट और सेशन चेंज नहीं हो सकता है इन केस आपके एग्जाम क्लैश हो जाते हैं दो एक साथ, तो जैसे कि मान लेते हैं कि हम एक सब्जेक्ट में आपकी बैग थी और आप और एक सब्जेक्ट करंट सेशन का है तो आप उन दोनों के एग्जाम देना चाहते हैं, इन केस उन दोनों के एग्जाम एक ही टाइम पे मिल गए और एक ही सेशन में मिल गए तो उस केस में आप एक का ही एग्जाम दे सकते हैं और दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम छोड़ना होगा आपको, उसके लिए आपको डेट और सेशन चेंज नहीं हो सकता। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या डेट शीट को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें।